Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. ATM से आप बिना डेबिट कार्ड के पैसे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। जल्द ही आप बिना डेबिट कार्ड के ATM से पैसे निकाल सकेंगे। हालांकि कुछ बैंक आपको ये सुविधा पहले से दे रहे हैं। अब RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये सभी बैंकों के लिए जरूरी कर दिया है, यानी अब बैंक ग्राहक UPI के जरिए ATM से पैसे निकाल सकेंगे। नेक्स्ट अनाउंसमेंट रिलेट्स टू इंटरऑपरेबिलिटी इन कार्डलेस कैश विथड्रॉयल, दैट इज इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विथड्रॉयल एट द ATMs। एट प्रेजेंट द फैसिलिटी ऑफ कार्डलेस कैश विथड्रॉयल थ्रू ATMs इज लिमिटेड ओनली टू अ फ्यू बैंक्स। इट इज नाउ proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions should help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc. Next announcement relates to Bharat Bill Payment System, rationalization of the net worth requirement for the operating units. RBI ने ये कदम कार्ड फ्रॉड के मामले रोकने के लिए उठाया है, क्योंकि डेबिट कार्ड को जालसाज आसानी से क्लोन कर लेते थे। UPI के जरिए ATM से पैसे निकालने से ट्रांजैक्शन काफी सेफ हो जाएगी। कोरोना काल में ATM पर कार्डलेस सुविधा को शुरू किया गया था। उस वक्त ये सुविधा SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की थी, ताकि बैंक ग्राहक एक दूसरे से संपर्क में आने से बच सके। अभी ये सर्विस ऑन एंड ऑन बेसिस पर मिलती है। इसका मतलब है कि जो बैंक ये सर्विस दे रहा है, उसी बैंक के ATM से पैसे निकाले जा सकेंगे। लेकिन अब RBI इस सर्विस को UPI बेस्ड बनाकर इंटरऑपरेबल बनाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भले ही SBI के ग्राहक हों, लेकिन आप HDFC बैंक के ATM से भी कार्ड के बिना कैश निकाल सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से ATM फ्रॉड के मामले कम हो जाएंगे। इससे कार्ड की क्लोनिंग, स्कीमिंग, ATM मशीन की टेम्परिंग पर काफी हद तक रोक लगेगी। RBI जल्द ही कार्डलेस ATM विड्रॉल पर NPCI, ATM नेटवर्क और बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगा।